दल का नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिसका नेता और जिसके देश को संचालन करने वाले नरेंद्र मोदी जी ने इस सोच को, अमित शाह जी, नड्डा जी की सोच को गए और हमारे हजारों कार्यकर्ता इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ता तक जुड़ने का काम कर रहे हैं। ये अपने आप में अद्भुत है और ये कार्यकर्ताओं की शक्ति है कि इसको सफलतापूर्वक संचालन हम सब कर रहे हैं। आज मुझे इस बात की खुशी है, हम जिस राजनीतिक दल से जुड़े हैं ये हमारा सौभाग्य है। मैं कहता हूँ जिस राजनीतिक दल से हम जुड़े हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ से यहाँ तक की यात्रा हमने की है, ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस राजनीतिक दल के सदस्य हैं। उस राजनीतिक दल के सदस्य हैं जिसने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, उस राजनीतिक दल के सदस्य हैं जिसने, जिसके संस्थापक जनसंघ के तौर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर दीनदयाल उपाध्याय ने जो कल्पना, जो सोच, जो अंत्योदय की कल्पना का बीजारोपण किया, उसको आज क्रियान्वयन करने वाले इस लंबी यात्रा में श्याम प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल के अंदर जिस प्रकार के एक यात्रा हमने पूरी की और आज हम एकत्रित हुए हैं उन बातों को याद करने के लिए, न केवल एक साल की यात्रा की चर्चा होगी बल्कि यात्रा चर्चा होगी कि इस 6 साल की यात्रा में कहां कहां हम पहुंचे। और ये स्वर्णिम युग, स्वर्णिम काल में कहता हूं कि 1 साल की यात्रा जिसने बड़े बड़े माइलस्टोन तय किए, इसने बहुत ऊंचाइयां तय की और इसमें जो एक बड़ा परिवर्तन, यदि 19 में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिला, जो 1914 में 281 सीट बढ़कर 303 सीट और पूरा एनडीए के यदि कल्पना करें तो 353 सीट तक पहुंचने का काम यदि 14 से 19 यात्रा में हमने किया है, तो इसका आधार कहां से तैयार होता है? आधार तैयार होता है उस शहादत को जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने श्रीनगर के जेल में शहादत दी और पार्टी को उस बड़े